हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप सब, होप कि आप सब ठीक होंगे। सो फाइनली गाइस, आज की हमारी शुरुआत देखो कहाँ से हो रही है। हमारे साथ है आज कैस्पर और हनी, जो कि आपको रोज दिखते हैं। रोज कहाँ दिखते हैं भाई, एक दिन में दो बार। अच्छा, वैसे ये कैस्पर आज इसको पता क्या हो गया, बेचारा डरा हुआ है नींद से। हम इसको उठा के लाए हैं यार, इसको पता नहीं क्या एंजाइटी जैसी हो जाती है भाई, घबराने लग जाता है। ये किस चीज का फोबिया है भाई? गाड़ी का। वो कैस्पर कुछ बोलना चाहेगा? देख इधर सब्सक्राइब नहीं किया ना कभी ऑडियंस। हाँ, ऑडियंस से नाराज है, बात करनी है पहले सब्सक्राइब। सो फाइनली गाइस, आपको वीडियो के टाइटल थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो हमारी क्या रहने वाली है। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है वो है गाड़ी के ऊपर, इसकी डिटेल रिव्यू देंगे, ऑनरशिप रिव्यू देंगे। सबसे पहले गाइस, ये है सफारी डाइकर। तो ये मॉडल है 2008, टॉप मॉडल आती है VX 4x4। ओके, बाय द वे कैस्पर भी आपको कुछ कहना चाहता, तो ये पता नहीं क्यों आज तंग आ रहा है, जाना नहीं कहीं। ठीक है, तो इसका जो इंजन स्पेसिफिकेशन ये आता है शायद 2.2 लीटर डीजल इंजन 2200 सीसी में, और इसका हॉर्स पावर 138 हॉर्स पावर है, BHP 320 NM आता है इसका। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है अंडर लैडन वो आता है इसका 205 mm। ठीक है, तो ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है। और इसमें तब के टाइम में देखो कैसे कैसे फीचर्स आते थे, ज़रा नहीं पीछे होना। तब के टाइम में भी इसमें फोर विंडो पावर विंडोज़ आती थी। ठीक है, इसमें ABS आता था तब के टाइम में, उसके बाद मिरर कंट्रोल्स आ जाते थे साइड पे ही, और AC आता था, हीटर आता था। जो इसकी खास चीज़ आती थी वो आती थी इवेंट्स भाई। पहले किसी को पता नहीं, जब मैं इस गाड़ी को ऐसे देखता मैं सोचता ये स्पीकर्स है क्या है, ट्विटर्स है, बट ये इसके एयर वेंट्स आते हैं, यहाँ से ये एयर पास होती है, सीधा विंडो के थ्रू आती है। तो तब के टाइम में भी ऐसी लग्जरी ये देती थी, ठीक है, टाटा वाले। तो इसका अंदर का कुछ ऐसा कंसोल है, जो खास है इसमें वो है इसका ये 4x4। ओके, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्विच, ये 4x4 इलेक्ट्रिक में आता है। ठीक है, मैनुअल में नहीं आता है, एक जो लीवर वाला होता है वैसा नहीं है ये, तो ये इलेक्ट्रिक में आता है। ओके, तो ये है कुछ इसके अंदर वाली साइड से व्यू इसका, और ये इसका रियर, और इसमें AC यहाँ छत पे दिया हुआ है, ठीक है, रियर वालों के लिए। तो हम अब करते हैं इसके टायर स्पेसिफिकेशन की बात। ओके, जो इसमें टायर है ये 31 इंच के लगाए हैं, 31 इंचेस के। तो प्रॉपर इसकी इंफॉर्मेशन क्या है टायर्स की, दिखाना कहाँ पे आए। तो ये है टायर की स्पेसिफिकेशन, आपको दिख नहीं रहा होगा इसके ऊपर पॉलिश है, 31x क्या लिखा हुआ है, 10, तो 15R 15। तो जो इसका अलॉय है वो 15 इंच का है, जो टायर है वो 31 इंचेस का है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लुक है इस टायर का। तो काफ़ी ब्रॉड टायर है इसके, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस इनसे और भी ज़्यादा ऊंचा हो गया है। और इसका जो ये फ्रंट ग्रिल है ये भी मॉडिफाइड है, जिसका स्टॉक आता है यार वो टूट जाता है बार बार ऑफ रोड करने पे। ठीक है, क्योंकि आगे फ्रंट में टच होती है, तो ये मेटल का बना दिया भाई, ये लगता भी है तो फिट भी हो जाता है, सही है। तो ये है कुछ ऐसे से ये फ्रंट लुक इसका। फ्रंट से ये थोड़ी सी लिफ्ट भी कराई है, थोड़ी क्या मतलब जितना हो सकता है उतना ही इसको लिफ्ट कराया है। इसको लिफ्ट कराना मतलब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक टॉर्शन बार आती है, यहाँ पे एक रॉड जैसी, अब पता नहीं यहाँ दिखी, हाँ ये वाली, यहाँ से ये ऊंची हो जाती है। तो जितना भी ये फ्रंट से ऊंचा हो सकता है इतना उसको ऊंचा करा दिया है, और पीछे से हमने इसको स्टॉक ही रखा है जैसा है, खाली टायर साइज अपग्रेड कराया है, बाकी ठीक है। और रेयर वाला हमने इसका जो स्पेयर पार्ट है, स्पेयर व्हील है, वो निकाल दिया है, बिकॉज़ आपको पता है इसका वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और इसका हैवी और बहुत ज़्यादा टायर, जिसकी वजह से ये पीछे से खड़क जाती है, इसलिए वो स्पेयर निकाल ही दिया है। कैशू क्या बोल रहा है? कैस्पर क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ जाना है मिस्टर कैस्पर, आपको कहाँ जाना है? देख 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 देख, डर रहा है। सो गाइज, अभी हम आ गए हैं गाड़ी के अंदर, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अब हम इसकी बात करते हैं राइडिंग क्वालिटी की भाई, मतलब जो फील इसमें आता है ना बैठ के चलाने में, वो बाकी दूसरी गाड़ी में नहीं आता है। इसका एक ऐसा रोड प्रेजेंस बनता है ना, माँ कसम क्या बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स कि मैं इसकी कुछ तारीफ कर पाऊँ। बाकी चलाने में ये 2008 मॉडल है, 2024 है, कितना टाइम हो गया, 16 साल हो गए इस गाड़ी को, बट ये चलाने में ऐसी फील होती है जैसे कि नई है। मतलब इसमें पावर रॉ पावर है भाई, खींचने में मज़ा आता है इसको, पावर फील होता है इसमें चलाने में, और ब्रेकिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। मतलब लगता नहीं है कि इतनी पुरानी गाड़ी होने के बावजूद कि इसके ब्रेकिंग में कोई इशू आता हो या ऐसा वैसा कुछ। तो और जब ये इसका पता मेन चीज़ क्या है जो इस गाड़ी में मज़ा है, वो है जब ये लहराती है ऐसे, मतलब जब ये चलोगे ना आप टर्निंग में, आप इसको टर्न करोगे तो इसका जो बॉडी रोल है ना, तो काफ़ी मज़ा आता है उस चीज़ में यार। तो टायर की वजह से तो काफ़ी कम्फर्टेबल हो जाती है कि रोड से बाहर भागने की कोशिश नहीं करती है।
सो गाइस अब हम इस पे बनाने वाले हैं रिएक्शन वीडियोस। देखो भाई रिएक्शन क्या मिलते हैं इसके यार, क्या बात है।